हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी विद्यार्थी जो खासतौर पे एसएससी जेई मेंस का रिटर्न लिख चुके हैं उनके लिए वीडियो आपका समर्पित है। उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट जो कि एसएससी जेई प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे 2023 के लिए और 2023 की प्रीलिम्स के बाद 2023 का मेंस लिखेंगे उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। और सिमिलरली अगर बात करें तो ऐसे ही आने वाले जितने भी साल से वहाँ पर आपका जो एसएससी जेई मेंस के जो स्टूडेंट होंगे खासतौर पे उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। उनके साथ साथ ये वीडियो जो भी एसएससी जेई की प्रीलिम्स या मेंस या फिर जो भी एग्ज़ाम है आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम उसकी तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं ऑल ओवर इंडिया से उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम आज का जो मेन मोटिव है जैसा कि आपको नजर आ रहा है मैं यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेफरेंसेस की। पहले तो हम बात करेंगे कि जो अभी एसएससी जेई 2022 का जो एग्ज़ाम है एसएससी जेई 2022 के एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर हुए हैं और मेंस में अपीयर होने के बाद उनका डीवी के लिए या फिर उनका जो फाइनल कॉल है उसको आएगा उसके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस का एक नया सिस्टम निकाला गया है एसएससी जेई एग्जाम के लिए एसएससी बोर्ड की तरफ से, उस एसएससी जेई के लिए आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट पहले भरना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट लास्ट में भरना चाहिए। अगर आप किसी डिपार्टमेंट को पहले भर रहे हैं तो उसका क्या वैलिड रीजन है कि आप उसको पहले भर रहे हैं, और आप चाहते हो भी किसी डिपार्टमेंट को पहले क्यों नहीं भरें या बाद में क्यों भरें, इसके बारे में हम पूरा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये चीज़ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा, यानी यहाँ पे हम पोस्ट प्रेफरेंस को डिस्कस करेंगे कि एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी पोस्ट होनी चाहिए, एक मैकेनिक इंजीनियर के लिए कौन कौन सी पोस्ट को किस तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में विद रीजन। सेकेंड अगर बात करें एलिजिबिलिटी, यहाँ पे कई सारी समस्याएं ये आ रही कि एक स्टूडेंट जो बोलता है मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ मुझे कौन कौन से पोस्ट में एलिजिबल हूँ, मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ कौन कौन से पोस्ट में एलिजिबल हूँ, कौन कौन सी पोस्ट में अगर मैं 31 साल का या 20 साल का या 25 साल का या फिर 28 साल का स्टूडेंट हूँ तो कहाँ एलिजिबल हूँ, मेरी जो एज है वो 30+ हो गई है, मैं 31 या 22 का हूँ 32 का हूँ तो उस केस में मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट को फिल कर सकता हूँ, वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बात भी करेंगे कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस आपका कैसा होना चाहिए या फिर कहाँ से आपको बनवा सकते हैं या कैसा आपका बना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पोस्टिंग एरियाज की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि आप जब अगर आपने बीआरओ डिपार्टमेंट को आप प्रायोरिटी देते हैं तो बीआरओ में आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, आपका वर्क कल्चर कैसा रहेगा वो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वर्क कल्चर कैसा रहेगा, आपके जो प्रमोशन है वो कैसे रहेंगे, आपका जो ट्रांसफर है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अभी अभी जितने भी प्रेजेंट में स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनका सिर्फ पहला टारगेट अभी ये है कि कैसे भी करके मुझे जॉब मिल जाए, अभी उनको ये चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन जब उनको जॉब मिल जाती है तो वो कई सारे स्टूडेंट बाद में फंस जाते हैं कि मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता था या फिर अगर मुझे थोड़ी सी नॉलेज होती तो मैं इस डिपार्टमेंट को अक्वायर कर लेता, थोड़ी सी नॉलेज होती तो मुझसे ये बड़ी गलती नहीं होती। और मैंने देखा है कि इस कंटिन्यूसली जो ट्रेंड है उसमें मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट एसएससी जेई में काम करते हुए भी एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उसका मेन रीजन ही होता है कि जब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो उनको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट बुरा है, किस डिपार्टमेंट की क्या क्या आपके सामने अच्छी चीज़ें हैं, कौन से डिपार्टमेंट की आपके सामने अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी ओवरऑल जाननी चाहिए क्योंकि अदरवाइज आप जितने भी लोगों से पूछेंगे सबकी प्रेफरेंस एक दो को छोड़ के ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट होगी। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से भरिएगा। हो सकता है मेरी फिटनेस बहुत अच्छी हो तो मैं बीआरओ के लिए एलिजिबल हूँ, हो सकता है मेरी फिटनेस कम है तो मैं बीआरओ को भरूँ या ना भरूँ, हो सकता है कि मैं ऐसी जगह पर रहने में सक्षम हूँ जो समुद्र के किनारे हैं, या हो सकता है कि मैं ऐसी जगह पर रहने में सक्षम हूँ जो कि किसी बैराज के आसपास हो, मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे हो सकता है मेरे लिए पोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो अच्छा हो या फरका बैराज का ऑप्शन अच्छा हो, या फिर हो सकता है मुझे घर के नियर बाय रहना है, मुझे ऐसी जगह रहना है जहाँ घर हो। मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी, मैं कहीं भी रह सकता हूँ लेकिन मैं बहुत एक टिपिकल सिटी का लड़का हूँ, मुझे कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाना, मुझे सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही रहना है, तो कौन सा डिपार्टमेंट आपका अच्छा है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि बहुत अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी वो डिपार्टमेंट में बहुत पीछे रहता है, बहुत गलत डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है क्योंकि आपकी एक गलती आपको डिपार्टमेंट से आगे पीछे कर देगी। ये तो रहा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आपको कि एसएससी जेई का जो ये पोस्ट प्रेफरेंस है ये 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में रहेगा, यानी 4, 5 और 6 को आप फिल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस पोस्ट प्रेफरेंस को फिल नहीं करेगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो पहले से ही बाहर हो जाएंगे। यानी आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस अटेंड करना कंपलसरी है, आपको ये अटेंड करना पड़ेगा हर हाल में अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में वहाँ पर सूटेबल हो या फिट हो जाए। तो दूसरी बात यह कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जब भी किसी पोस्ट को फिल करेंगे तो आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लें, आप उसके मेडिकल स्टैंडर्ड को पढ़ लें, उसके बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करें। क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा है अगर आपने उसको शुरू में भर दिया
और अगर आप उसमें मेडिकली फिट नहीं हुए तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के लायक नहीं हो, आपको तुरंत बाहर टर्मिनेट कर देंगे, आपके सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइस पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी ये कंडीशंस आपको फुलफिल करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको एक एक्चुअल जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी भ्रामक या फिर गलत जानकारी रहती है तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपको बचते हुए आगे बढ़ना है कि कौन कौन सी जानकारी मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सी जानकारी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर पहले क्या पढ़ेंगे या पहले क्या देखेंगे, देखिए हम पहले देखेंगे कि जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में हम गो थ्रू होंगे, ताकि आप खुद डिसीजन ले पाएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में फिट हैं या कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे। इस वीडियो के अंत में पहुंचते पहुंचते मेरा जो मोटिव है वो ये रहेगा कि आप खुद अपना सेल्फ डिसीजन ले पाएं कि मेरे लिए ये डिपार्टमेंट सही है, मेरे लिए ये डिपार्टमेंट सही है। जब आप उस डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो डिपार्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं है, जो मैंने आपके लिए क्रम बनाया है उस क्रम में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी किसी डिपार्टमेंट के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते हैं तो जोनटेक के सोशल मीडिया पे लिख दीजिएगा, वहाँ नहीं लिख पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे लिख दीजिएगा, वहाँ नहीं लिख पाते आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ नहीं लिख पाते तो किसी भी टीचर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जोनटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमेशा ही फायदा उठाते हैं, हमेशा ही उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है किसी न किसी चीज़ में। कभी वो टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने सिलेक्शन को इश्योर कर लेते हैं, कभी स्टडी मटेरियल के थ्रू अपने सिलेक्शन को इश्योर कर लेते हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने सिलेक्शन को इश्योर कर लेते हैं, कभी ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू अपने सिलेक्शन को इश्योर कर लेते हैं, कभी टीचर की गाइडेंस से अपने सिलेक्शन को इश्योर कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट, और ये जो वीडियो सबके लिए फ्रूटफुल है, खासतौर पर जो SSC JEE का एग्जाम की तैयारी करेंगे और जो जो कर चुके हैं और जो अभी अपेयर हुए हैं सबके लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखिए। SSC JEE का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं CPWD। CPWD मतलब है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बोलें कि मैं SSC JEE की तैयारी कर रहा हूं, उसका पहला सपना होता है CPWD में सिलेक्शन हो जाए। रीजन कई सारे हैं, सबसे पहला रीजन है सोशल रेस्पेक्ट। और भी अच्छा रीजन है कि आपकी जो डीलिंग है पब्लिक के साथ होती है, पब्लिक में आपका मेलजोल बढ़ता है, आपकी रेस्पेक्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, आप लोगों को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, और यही एक सबसे बड़ा मेन रीजन है। साथ में यहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी और अलाउंसेस। अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें यहाँ पे, तो ब्रांच जो है यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा है, यानी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन उसमें से मैकेनिकल का एलिजिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ केवल सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, बाकी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो माय डियर 30 ईयर्स है। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका जो भी रहता है वो हो सकता है, पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे 30 है। अगर बात करें पोस्टिंग, तो CPWD डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपकी जब भी पोस्टिंग होगी हमेशा मेट्रो सिटीज़ में होगी, हमेशा आपकी ए क्लास सिटीज़ में होगी, जहां पर आपको सारी फैसिलिटी सब कुछ आपको मिलेगा वहां पे। उसके साथ साथ आपका जो काम है बहुत एक्सीलेंट है। अगर बात करें यहां पे जितनी भी सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गई, मेट्रो सिटी हो गई, जयपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया, कर्नाटका हो गया, क्या बोलता है कोलकाता हो गया, जितने भी आपके अच्छे अच्छे शहर है, चेन्नई हो गया, जितने भी अच्छे अच्छे शहर है जहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा वो किसमें होगा, CPWD। यानी CPWD डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए फिट है जो एक लग्जरी, एक बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जो जिंदगी की सभी सुविधाओं का आनंद लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा अगर बात करें वर्क कल्चर की, तो देखिए इसका काम क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग है जो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उनका रिनोवेशन करना, उनको मेंटेनेंस करना, नई बनाना, उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, उसके साथ गवर्नमेंट की नई बिल्डिंग्स हो गई, उनको बनाना, उनका मेंटेनेंस करना इसका काम है। मेजरली काम इसका ये रहता है कि गवर्नमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी लेबोरेटरीज है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी MLA MPs के बंगले हैं, जितने भी उनके निवास है, जितने भी उनके हाउसिंग बोर्ड्स के मकान है, उनका मेंटेनेंस करना, उनको बनाना इसका मेजर काम है। मेजर काम बता रहा हूं, बाकी छोटे मोटे काम रहता है लेकिन मेजर जो वर्क है वो ये रहता है एक CPWD जूनियर इंजीनियर का। दूसरा बात करें तो ये एक पब्लिक डीलिंग जॉब है। सबसे अच्छी बात मैंने बताया था आप कैसी जॉब है, ये पब्लिक डीलिंग जॉब है जहां पर आपको ये समझ में आता है कि हाँ इस जॉब को करने के बाद आपका एक सोशल रेस्पेक्ट, सोशल वैल्यू, लोगों से जुड़ाव, लोगों से जानकारियां और लोगों के काम आने की जो भावना है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब इस जॉब में अगर बात करें तो हर स्टूडेंट इसमें फिट होता है, यानी पहली प्रायोरिटी अगर कोई स्टूडेंट रखता है एज ए सिविल इंजीनियर या एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो रहती है हमारे पास क्या, CPWD। CPWD में अगर इस बारे में बात करें 2022 के अंदर, तो यहाँ पर 2022 में नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 1563 नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इवन इतनी वैकेंसी केवल और केवल कभी केवल और केवल SSC JEE में ओवरऑल आती है, जहाँ पर आपकी सिर्फ इस डिपार्टमेंट में है।
यानी इस डिपार्टमेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपकी मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन ये है जो कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर बात करें यहां पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो कि एसएससी जेई का एक डिपार्टमेंट है, बहुत रॉयल डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का मतलब यह है कि जहां ऑप्शन आप सीपीडब्ल्यूडी को छोड़ते हैं तो अगला ऑप्शन आपका एमईएस ही मिलता है मैक्सिमम मौके में। एमईएस डिपार्टमेंट आपका एक मिलिट्री का डिपार्टमेंट है जहां पर आपकी डीलिंग केवल और केवल मिलिट्री के एरियाज तक सीमित होती है, आपकी पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होती है, ना ही आपको पब्लिक के काम करने होते हैं, ना ही आपको गवर्नमेंट के दूसरे काम करने होते हैं, आपके काम केवल और केवल यहां पर मिलिट्री के काम करने होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो यहां पर कौन कौन एलिजिबल है, यहां पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें यहां पे तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है, बट डिप्लोमा होल्डर को यहां पर 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में होना चाहिए वो आपको क्लियरली मेंशन मिल जाएगा, या फिर जो भी आपका कोर फील्ड है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल का वो स्टूडेंट है तो पावर प्लांट वगैरह में एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर कोई सिविल का स्टूडेंट तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पे 2 साल का होना चाहिए बेटा। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए कि आपकी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया एमईएस डिपार्टमेंट कितनी है तो वो रहता है 30 ईयर्स, यानी 30 साल या 30 साल से कम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब इस एग्जाम को फिलफिल कर सकते हैं। पोस्टिंग अगर बात करें तो आपकी पोस्टिंग हमेशा हमेशा आपकी मिलिट्री कैंट एरिया में ही मिलेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में है तो दिल्ली का मिलिट्री कैंट एरिया में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, अगर राजस्थान में है या जयपुर में है या जोधपुर में है, जहां जहां ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां आपके मिलिट्री कैंट बने हुए हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। मिलिट्री कैंट की अगर बात करें तो एक तो ये सिटी के बीचों बीच होता है, आपको कभी भी कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं कि लड़ाई हो गई वॉर में जाना पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी थोड़े से लो रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड का कोई काम नहीं है क्योंकि आपकी डीलिंग कभी मिलिट्री से नहीं होती है। हालांकि मिलिट्री में आपका काम होता है, इस कैंट में आपका सारा काम रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपकी डीलिंग कभी मिलिट्री में डायरेक्ट नहीं होती है कि आपको बंदूक देके लड़ने भेज दिया या फिर आपको कहीं युद्ध पे लगा दिया, कहीं सीमा पे बॉर्डर भेज दिया, वो आपका काम नहीं होता। आपका काम क्या रहता है फिर इसमें, आपका काम रहता है पावर हाउसेस हो गए, मिलिट्री कैंट के पावर हाउसेस हो गए, मिलिट्री एरिया का मेंटेनेंस हो गया, और दूसरा है कि यहाँ पे जितने भी मिलिट्रीज की बिल्डिंग्स है, जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स है या मिलिट्री के जो भी आपके मकान वगैरह है उनका रिनोवेशन हो गया या फिर उनका न्यू कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो आपका यहाँ पर काम रहता है। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो जितने भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी वहाँ पे आपके वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनका मेंटेनेंस, रख रखाव, उनका जिस भी काम है वो एज ए आपको जूनियर इंजीनियर वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है एमईएस सर्विसेज की कि आपका नो इंट्रैक्शन विद पब्लिक, आपके पास कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती। यानी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पब्लिक डीलिंग से थोड़ा सा परहेज है या पब्लिक डीलिंग वो परफेक्ट नहीं है तो उस केस बंदे उस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये जो आपका एमईएस इंजीनियरिंग सर्विस सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपना जो परफेक्ट तरीका है कि हाँ ठीक है मुझे किस तरह से काम करना चाहिए या मैं अपने आप को कैसे सोशली रेस्पेक्ट दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलिट्री में है तो आपको फील आ जाएगी कि आप मिलिट्री वाले ही हैं, क्योंकि आपको एक कहीं ना कहीं वो जज्बा दिखता है यहाँ पे। गुड सिटी लोकेशन, अभी अगर बात करें यहाँ पे लोकेशन की तो लोकेशन वही होगी जहाँ मिलिट्री के कैंट है, और मिलिट्री के कैंट वही है जहाँ पर गुड सिटीज है, यानी यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि आप एक बहुत अच्छी सिटी में ही आपका हमेशा रहना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो जो स्टूडेंट पब्लिक डीलिंग चाहते हैं वो सीपीडब्ल्यू डी में जा सकते हैं, जो स्टूडेंट कम पब्लिक डीलिंग चाहते हैं वो आपको एमईएस प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो एमईएस डिपार्टमेंट के बारे में ये है। अगर बात करें 2022 में तो 2022 में जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 316 वैकेंसी है, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी होती है जहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें एक साथ यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास एमईएस डिपार्टमेंट के बारे में। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वाटर कमीशन, तो ये आपका एसएससी का एक डिपार्टमेंट है जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। ये एसएससी का ही एक डिपार्टमेंट है जहां पर आप प्रिफ्रेंस भरते टाइम इस डिपार्टमेंट को कहां रखेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, और क्यों रखेंगे ये हम मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। अगर बात करें इसमें एलिजिबल कौन कौन है, तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल है, उसमें भी डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। यहाँ किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, बिना एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, और डिग्री में वैसे भी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती नहीं है बेटा। अगर एज की बात करें यहाँ पे तो 32 साल का यहाँ पे फाइनल एज है, क्राइटेरिया है कि 32 साल या उससे कम के स्टूडेंट यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर बात करें पोस्टिंग की तो देखिए इसकी पोस्टिंग क्या होती है, पोस्टिंग नियर रिवर एरिया, जितने भी पूरे भारत में रिवर एरिया है गंगा को छोड़ के, यमुना या फिर बाकी जितनी भी नदियां हैं वेस्ट बंगाल में या फिर हिमाचल उत्तर प्रदेश ऊपर वाला नॉर्थ रीजन में या फिर आपके साउथ रीजन में कुछ रिवर्स है उस, मान लो चाहे राजस्थान की साइड जो केनाल वगैरह है वहाँ पे जो रिवर छोटी मोटी रिवर उनके लिए, यानी गंगा रिवर को छोड़ के, केवल गंगा रिवर को छोड़ के जितनी भी रिवर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं उन सब रिवर्स
पर ही आपका यहाँ पे ड्यूटी रहेगी, उन सब रिवर्स पर ही आपकी पोस्टिंग रहने के चांसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो थोड़ा सा रिमोट एरिया में रहेगा। आपको सुविधाएं हालांकि सारी मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं यहाँ पर एज ए इंजीनियर मिलता है, आपको गाड़ी मिलेगी, व्हीकल मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन चीज़ें यहाँ पर यह है कि आप थोड़ा सा वो बेनिफिट नहीं ले सकते जो CPWD मिलता है, या वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो MEA से मिलता है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनका घर रिवर एरिया के पास में रहता है, या उनकी लगता है कि मैं तो उसी एरिया से बिलोंग करता हूं जिस एरिया में रिवर है, और वो चाहते हैं कि मैं अपने घर के आसपास की लोकेशन में ही पोस्टिंग ले लूं, ऐसा कुछ है, तो उन लोगों के लिए ये आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जहां पर आप रिवर में रहते हुए अपने सारे के सारे जो आपके ड्रीम्स है या फिर आपका जो भी पैसन है उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर वर्क कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या काम रहतेगा। सुपरविजन ऑफ रिवर्स, रिवर्स और रिवर्स के जो बैंक है उनके सुपरविजन में आपका सारा काम रहेगा कि आप उनका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे रिवर का कुछ, या फिर आप उनमें वहाँ पे उसकी साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल क्या है उसको देख रहे हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पे मेंटेनेंस रहेगा उनका, और ग्राउंड वाटर लेवल पे भी आपका थोड़ा फोकस रहता है। तो जितने भी यहाँ पे वाटर से रिलेटेड काम होंगे, खासतौर पर रिवर्स के, वहाँ पर आपका ये काम रहता है इस डिपार्टमेंट में। पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग होगी बेटा रिमोट एरियाज में, क्योंकि रिवर्स जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिटी के बीच में बहे, वो हमेशा रिवर एरियाज में रहती है, फिर वहाँ पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ मिलता है, बट फिर भी आपकी पोस्टिंग जो है थोड़ा रिवर एरिया में ही रहती है। अगर बात करें यहाँ वैकेंसी की, तो टोटल 184 वैकेंसी है, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छा है, नो डाउट आप नहीं कह सकते कि मैं इसको प्रायोरिटी दूँ या नहीं दूँ। डेफिनेटली उन डिपार्टमेंट्स के बाद इसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। कौन से डिपार्टमेंट के बाद, CPWD हुआ या MES हुआ। कुछ डिपार्टमेंट इससे भी अच्छे हैं, वो कौन कौन से हैं यहां पे हम देखेंगे अभी। देखिए अगर बात करें सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की, यानी CWPR, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, ये है आपका CWPR। अगर CWPR डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपका मेजर काम जो है वो किस में रहेगा, रिसर्च में रहेगा, यानी यहां पर आपका रिसर्च का मैक्सिमम वर्क रहता है। अगर बात करें ये तो किस कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पे देखिए तीनों ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है माय डियर। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया उसको छोड़ के मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है बेटा, वो आपका 30 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। अगर पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग देखिए ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर रिसर्च का काम रहेगा, और रिसर्च का काम जब भी होता है या तो वो हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होती है, जो हेड ऑफिस है वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, या फिर उसकी आसपास सब ब्रांचेज उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं CWPR डिपार्टमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, पुणे में है, यानी आपके पोस्टिंग के अधिकतम चांस मैक्सिमम चांस कहाँ रहेंगे, पुणे में रहेंगे। अगर पुणे में आपकी पोस्टिंग होती है तो मैक्सिमम जो आपका कार्यकाल है, जो आपकी जॉब है, वो मैक्सिमम कहाँ रहेगी, पुणे में रहेंगे, मतलब आप पुणे में ही अपनी जॉब को वहाँ प्रायोरिटी देंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कभी कभी आपकी जो पोस्टिंग है वो ब्रांच लोकेशन पे भी जा सकती है, जो इसकी ब्रांच लोकेशन है, लेकिन हाँ अगर ब्रांच है तो जाएगी, अदरवाइज आपको हेडक्वार्टर में ही काम रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो पूरा का पूरा जो काम है वो आपका एनालिसिस या फिर रिसर्च का रहता है। तो एक बहुत अच्छी जॉब है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं कुछ नया सीखूँ, नए चैलेंजेस फेस करूँ, तो उनके लिए जॉब बहुत अच्छी हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर काम क्या रहेगा आपका, केवल और केवल रिसर्च वर्क का काम रहता है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अभी 2022 में जो आपकी वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है बेटा। अगर बात करें यहाँ पे हम डिपार्टमेंट BRO, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला डिपार्टमेंट CPWD और MES के बाद अगर कोई है तो BRO है। सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट भी BRO है, खतरनाक इस व्यू से कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपको बाहर करा दे, बशर्ते आपके अच्छे मार्क्स उसके बावजूद भी, क्योंकि BRO एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जहां पे जॉब का जो प्रोफाइल है वो सबसे टफेस्ट प्रोफाइल माना जाता है। सिर्फ रीजन एक है कि यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड काफी टफ रहते हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट मेडिकली अनफिट है किसी भी वे में, उसको लगता है कि मैं जितने स्टैंडर्ड यहां पे फॉलो कराए गए हैं वो अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको BRO नहीं फिल करना चाहिए, क्योंकि BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको जो अधिकतर पोस्टिंग आपकी मिलेगी वो बॉर्डर पे ही मिलेगी, नॉर्थ एरिया में बॉर्डर पे मिल जाएगी या फिर ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर पे मिलेगी, आपकी अधिकतर पोस्टिंग जो है वो बॉर्डर एरिया में रहेगी, और अगर आपको बॉर्डर एरिया में रहना है तो वहां पर आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे चैलेंजिंग लाइफ मिले और मैं फिजिकली फिट भी हूं, तो वो इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इस डिपार्टमेंट का सबसे प्लस पॉइंट बेटा ये है कि यहां पर आपको अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आपकी पोस्ट कहां होती है, वहां पर होती है जहां पर बहुत ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट एरियाज है या थोड़ा वहां पर आपका वर्क कल्चर थोड़ा हार्ड होता है, तो इसकी जो अलाउंसेज है वहां पर भी काफी ज्यादा होते हैं। इस डिपार्टमेंट अगर जानते हैं कि उनको एलिजिबल है, यहां अगर बात करें सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल है, परंतु या बट
आपके डिप्लोमा स्टूडेंट को यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यानी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है अपने रिलेटिव रिलेटिव फील्ड में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आप इस जॉब के लिए कब अप्लाई करें, जब आप मेडिकल फिट हो, ध्यान रखिए। अगर आप मेडिकल फिट नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि बीआरओ में अगर आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो वापस आपको बीआरओ में एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। उसके साथ साथ अगर आपने टॉप में बीआरओ भर दिया, उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट आपने भरे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में आप वहां एलिजिबल नहीं हो। बीआरओ के बाद जस्ट आपको सिर्फ बाहर होता है, बीआरओ में नहीं तो बाहर, बीआरओ में नहीं तो बाहर, बीआरओ में नहीं तो आउट। सिंपल सा डिपार्टमेंट है, बीआरओ इन और आउट पे काम करता है भैया। अगर आप बीआरओ में एप्लीकेबल है तो अंदर आइए, अदरवाइज बीआरओ में आपके लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद है। उसके साथ साथ अगर आपने इसको प्रायोरिटी में भर दिया तो बाकी सारे डिपार्टमेंट भी आप फिर वहां नहीं भर सकते, इस चीज का ध्यान रखना भाई। पोस्टिंग अगर बात करें तो पोस्टिंग आपकी हमेशा रिमोट एरियाज में होगी। रिमोट एरिया भी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरिया जो बॉर्डर के हैं, बॉर्डर पे भी क्या करते हैं आप, बॉर्डर पे भी आप रोड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, रोड बनाते हैं, नई रोड का कंस्ट्रक्शन करना है या पुरानी रोड को आप मेंटेन करना है, पहाड़ों में किसी रोड को सही करना है, उसका एक्सटेंशन करना है, उसको रिनोवेट करना है, नया बनाना है, नया प्लान करना है, तो सारे के सारे काम कौन करता है, बीआरओ डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और बाकी डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अलाउंसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं भाई। अगर बात करें यहाँ पे रोड मेंटेनेंस की तो जो काम क्या है इसका, रोड मेंटेनेंस हो गया, बॉर्डर एरिया हो गया, लैंड स्लाइडिंग भी आपको यहाँ मिलता है, रिमोट एरियाज के अंदर लोकेशन है। सिर्फ इस डिपार्टमेंट की एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि वेरी स्ट्रिक्ट मेडिकल, यहाँ पे जो मेडिकल है वो वेरी स्ट्रिक्ट है और इसी वजह से बीआरओ ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कई बार सीट जो है रिलेवेंट खाली रहती है, सीट हमेशा खाली रहती है, यहाँ पर सीट कभी भरती है कभी नहीं भी भर पाती है। तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड काफी टफ है। अगर एसएससी जेई 2022 में बात की जाए तो एसएससी जेई 2022 में 843 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहती है, जहां पर आपको ये पता होता है कि ये वैकेंसी कई दफा तो एसएससी जेई की जो ओवरऑल वैकेंसी उससे भी ज्यादा है या उसके बराबर है ये। तो ये हमने पूरा सब कुछ देखा, बीआरओ डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस नहीं है। अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस यानी नेवल डिपार्टमेंट की, तो नेवल डिपार्टमेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नेवल डिपार्टमेंट में क्या क्या कमियां हैं या फिर क्या क्या अच्छी चीजें हैं या फिर मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये मुझे जानना है। अगर बात करें डिपार्टमेंट के बारे में तो यहां पर मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल यानी ई एंड एम के जो स्टूडेंट है वही एलिजिबल है, जहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है, बट डिप्लोमा स्टूडेंट को यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पोस्ट को एलिजिबल है, इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल, अदरवाइज नहीं है। अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम 30 इयर्स आपकी एज क्राइटेरिया है और पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपकी सिटी लोकेशन में होगी, जहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ वेपन स्पेयर्स एंड इक्विपमेंट एंड यहाँ पर जो एनवायरमेंट है कैसा रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, यानी जितने भी हथियार है वेपन इंस्ट्रूमेंट्स है, तभी तो यहाँ पर सिविल एलिजिबल नहीं है क्योंकि वेपन्स में सिविल वालों का क्या काम है। तो जितने भी वेपन्स है आपके, उन वेपन्स को अगर आपको रिनोवेट मतलब आपको वहाँ पे मेंटेन करना है या नया बनाना है, रीडिजाइन करना है, उनकी मेंटेनेंस लगातार करनी है, उनको देख रेख करनी है, उनकी देखभाल करनी है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट जा सकते हैं, नेवल डिपार्टमेंट पे। अगर आपको इन चीज़ों का शौक है, इन चीज़ों को जानना है, पहचानना है, इनके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है जा सकते हैं। लेकिन जितना आपको काम सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही रिस्ट्रिक्शन है। नेवी में या मिलिट्री में आप कहीं भी जाएंगे तो डिसिप्लिन और रेस्ट्रिक्शंस तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी यहाँ पे डिसिप्लिन और रेस्ट्रिक्शन बहुत है, थोड़ा सा वर्कलोड भी रहता है। अगर एसएससी जेई 2022 में बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी 27 वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट, नेवल डिपार्टमेंट पे। तो ये वजह है कि इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन क्यों करना चाहिए या इस डिपार्टमेंट को क्यों मैं प्रायोरिटी में कहाँ रखना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को देख के भी देख सकते हैं कि नेवल डिपार्टमेंट को आप अपनी लिस्ट में कहाँ रखते हैं। अगर बात करें यहाँ पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO डिपार्टमेंट जो है बेटा, क्या है आपका NTRO, अगेन NTRO डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे एक इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको पावर का बहुत अच्छा खासा एहसास होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सीधा PMO के अंडर आता है। जैसे BRO डिपार्टमेंट आपका सीधा डिफेंस के अंदर जाता है, वैसे ही आपका जो NTRO डिपार्टमेंट है ये सीधा PMO के अंदर आता है, यानी यहाँ पर आपके सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से आते हैं, PMO ऑफिस से आते हैं, PMO से आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कहें कि भारत सरकार के उपक्रम में भी अगर मैं PMO डिपार्टमेंट के अंदर हूं तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के तीनों स्टूडेंट एलिजिबल है, जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहती है बेटा, डिप्लोमा रहती है। अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे 30 साल आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। पोस्टिंग की बात की जाए तो आपका PMO डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग रहती है। अगर PMO डिपार्टमेंट में है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन है वो कहाँ पर रहेगी, डेफिनेटली वो रिमोट एरियाज में तो नहीं रहने वाली है, आपकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं बहुत मेट्रो सिटी में या सकता है दिल्ली वाले एरिया में रहे। यहाँ पे
अगर बात करें इसका काम क्या है, तो आपका ये इंटेलिजेंट एजेंसी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द पीएमओ ऑफिस। आपका काम सिर्फ और सिर्फ रहेगा इंटेलिजेंट एजेंसी के अंदर रहेगा, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए उसके अंदर रहेगा। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? पीएमओ रहेगा। ये आपका यहां पर काम रहता है। यहां अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए, खासतौर पर एसएसजे 2022 में, तो यहां पर केवल और केवल 3 वैकेंसी है, लेकिन तीनों वैकेंसी बहुत कमाल की है, क्योंकि अलाउंसेस आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, आपकी जो पोस्टिंग एरिया है वो बहुत अच्छा खासा है, आपका जो सीधा कॉन्टैक्ट है वो वहां पे है जहां से डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वहां पे आपका कॉन्टैक्ट है। और साथ साथ अगर बात जो प्रोफाइल किया है, तो ना कोई पब्लिक डीलिंग है, ना रिमोट एरियाज है, ना ही आपको कोई वर्क करना है कंस्ट्रक्शन का सारा काम आपका किसमें है? एनएसए के अंदर रहता है, वो भी पीएमओ डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर आप इन सब चीजों का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों के आसपास ही रहूं, तो आप इस डिपार्टमेंट को डेफिनेटली प्रायोरिटी दे सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज याद रखिएगा, यहां पर डिपार्टमेंट काफी कम है रेस्पेक्ट टू अदर डिपार्टमेंट्स। अगर बात किया जाए यहां पे आपका शिपिंग डिपार्टमेंट्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर रहता है, जो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके अंडर ही रहता है। यहां पे अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो यहां पे देखिए सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जहां पर तीनों ब्रांच के स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए माय डियर, तो यहां पे 30 साल का एज क्राइटेरिया है, कि यानी मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स है। हमें पोस्टिंग और वर्क कल्चर से मतलब है। पोस्टिंग की अगर बात की जाए, सीधी सी बात है सर, यहां पे पोस्ट जो है पोर्ट है, शिपिंग है और वाटरवेज है, मतलब आपकी जो पोस्टिंग है कहां होगी? भारत में जितने भी पोर्ट्स है, जो भी आपके समुद्री किनारे हैं, उनके आसपास से आपकी पोस्टिंग रहेगी। अगर आपको लगता है कि मैं समुद्र के आसपास ही रहता हूं, या जो मेरे पोर्ट एरिया जो मेरे लिए सूटेबल है, या जो समुद्र का एरिया मेरे लिए सूटेबल है, तो आप इस डिपार्टमेंट को फिल करिएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं रह सकते उस कल्चर में, तो इस डिपार्टमेंट को फिल मत करिएगा, या फिर सबसे लास्ट में फिल करिएगा, क्योंकि जैसे आप वहां पर लगेंगे, और अगर आपका वर्क कल्चर ठीक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा एसएसजेई में बैठेंगे ये देखने के लिए कि मैं डिपार्टमेंट चेंज कर लूँ अपना। यहां अगर बात की जाए पोस्टिंग कहां रहेगी, बता चुका हूं मैं आपको, अक्रॉस द कंट्री पोर्ट एरिया में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है माय डियर। अगर वर्क कल्चर की बात करें, तो देखिए शिप बिल्डिंग में आपका रोल रहेगा, शिप रिपेयर में आपका रोल रहेगा, मेजर पोर्ट जो है वहां पे आपका रोल रहेगा, नेशनल वाटरवेज है वहां पे आपका रोल रहेगा, नेशनल वाटर चैनल है वहां पे आपका रोल रहेगा, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका रोल रहेगा। कुल मिला के जो पोर्ट और शिपिंग का जो एरिया है, वाटरवेज का एरिया है, वहीं पर ही आपका पूरा पूरा रोल रहेगा। यानी अगर आप सोचें कि इस डिपार्टमेंट जाने के बाद मैं जोधपुर में पोस्टिंग ले लूं, या इस डिपार्टमेंट जाने के बाद मैं दिल्ली में पोस्टिंग ले लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग केवल वहीं होगी जहां पर आपका काम है। तो ये मैंने देखा किसके बारे में, यहां पे जो आपका शिपिंग डिपार्टमेंट उसके बारे में। और यहां अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो माइडियर यहां पर 8 वैकेंसी है एसएससीजेई 2022 के रिक्रूटमेंट में। अगर हम बात करें यहाँ पे फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, फरक्का बैराज आपका एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और जो कि आपका पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे काम करता है। यहाँ अगर बात करें फरक्का बैराज क्या है, फरक्का बैराज एक डैम है जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगर इसकी बात करें तो एलिजिबल कौन है यहाँ पे, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन माय डियर यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा। एज क्राइटेरिया की बात करें माय डियर, तो यहाँ पे 30 साल का एज क्राइटेरिया है। और पोस्टिंग की अगर बात की जाए, तो पोस्टिंग आपकी जो फरक्का बैराज है, जो कि बना हुआ है गंगा रिवर के बगल में, कहां बना हुआ है, इस तरह का ये गंगा रिवर के बगल में, या गंगा रिवर के बैंक पे बना हुआ है, वहीं पे आपकी पोस्टिंग है, अक्रॉस द गंगा रिवर, लोकेटेड इन द मालदा जो कि कहां है, वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में जो मालदा है, वहां पर आपकी यहां पर पोस्टिंग रहेगी। अगर आप फरक्का बैराज में जाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, मैं अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर करा लूंगा कहीं जयपुर इधर उधर, तो आपका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस लोकेशन के लिए आपको जॉब दी गई है, उसी लोकेशन पर आपको सर्व करना पड़ेगा। तो फरक्का बैराज डेफिनेटली अच्छा है, अलाउंसेस अच्छा है, वर्क कल्चर अच्छा है, आपको एक ही जगह रहना है, आपको बार बार ट्रांसफर नहीं करना है। बट फिर भी आप अगर किसी मेट्रो सिटी के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप अपने घर के आसपास सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। तो इसका फायदा अलाउंसेस है, डेफिनेटली पैसा है, काम कम है, और आप जहां काम कर रहे हैं सिर्फ एक ही, आप अपनी पूरी की पूरी सर्विस लाइफ एक पर्टिकुलर एरिया में निकालेंगे, तो आपकी वहां कमांड अच्छी होती है। यहां से रिटायर्ड होने के बाद भी आपकी वैल्यू अच्छी खासी रहती है, बट अगर जो बाकी दूसरे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं फरक्का बैराज में। यहां अगर बात करें वर्क की, तो काम कहां रहेगा आपका, फरक्का बैराज पर ही आपका वर्क रहेगा पूरा का पूरा। तो ये मेरे हिसाब से यहां पे अगर बात करें, तो ये हमारे डिपार्टमेंट से जो कि मैंने यहां सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको देखे हैं यहां पे। अब बात करते हैं जितने भी मैंने ये 8-9 डिपार्टमेंट देखे हैं, इन डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट मुझे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। मैंने सब डिपार्टमेंट का वर्क आपको बताया कैसे काम करते हैं, मैंने सब डिपार्टमेंट का आपको यह बताया कि इनका क्या क्या पोस्टिंग कहां रहती है। अगर हम बात करें ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर देखिए 3 साल का तो आपका मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद 3 साल से 6 साल के बीच में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने लिए। और अगर आप ट्रांसफर नहीं करवाते, तो 6 साल बाद डिपार्टमेंट आपका ट्रांसफर वैसे भी कहीं ना कहीं इधर कर देता। तो ट्रांसफर की बात रही है,
कुछ डिपार्टमेंट्स है जहां पे ट्रांसफर आपके पॉसिबल है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, और अगर ट्रांसफर कहीं पॉसिबल है तो डेप्यूटेशन पे भेजेंगे या फिर किसी और रीजन से आपको भेजेंगे। पर वहां पे अगर बात करें टेक्निकली टर्म में तो ट्रांसफर कुछ में पॉसिबल है, कुछ में पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें प्रमोशंस की अगर बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपके रिटर्न एग्जाम्स के थ्रू भी प्रमोशंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल सीपीडब्ल्यूडी में आप रिटर्न एग्जाम लेके भी प्रमोशंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे बीआरओ में रिटर्न एग्जाम का कोई प्रमोशंस का क्राइटेरिया नहीं है, फरक्का बिराज में कोई प्रमोशन का क्राइटेरिया नहीं है। जितना आपका मिनिमम टाइम पीरियड होता है 8-9 साल या 10 साल के आसपास, उसके बाद आपका प्रमोशंस ऑटोमेटिकली वहां पर आगे हो जाता है। तो प्रमोशंस का मोटे मोटे तौर पर आपका ये रहा। सैलरी स्ट्रक्चर लगभग सबका सेम होता है, सिर्फ अलाउंसेज बदल जाता है, बाकी सब सेम है। आपको जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू मी कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए जो डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करने चाहिए। अगर बात करें यहां पे फैक्टर्स की और डिपार्टमेंट्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। आप इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि आपको नहीं पता है कि प्रायोरिटी क्या है, सब आमने सामने लिखे हुए मैंने सेट किया, मुझे पता है कि प्रायोरिटी ऐसे पढ़ना है कि प्रायोरिटी ऐसे पढ़ना है कि प्रायोरिटी ऐसे पढ़ के ऐसे पढ़ना है। तो प्रायोरिटी मैं बता रहा हूं आपको, आप दिमाग मत लगाना अभी इसकी प्रायोरिटी बताऊं। उससे पहले मैं यहां पे देखना चाहूंगी कौन कौन से क्राइटेरिया आप देखेंगे। देखिए पहला क्राइटेरिया देखेंगे आपकी पोस्टिंग, आपकी जितनी होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास होके उतनी अच्छी है। कम से कम आप अपने सर्विस स्पान में एक सर्विस स्पान या एक एक जो पोर्शन है वो तो कम से कम आपने घर पे बिता पाए। दूसरा ये है कि अलाउंसेज अगर थोड़ा बहुत कम नीचे या ऊपर नीचे भी है तो आप एक ऐसी क्वालिटी लाइफ जी पाए जो मेट्रो सिटी की लाइफ हो, और जहां पर आप आने वाली अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, उनके साथ रह सके, और उसके साथ साथ आप ये देख सकें कि हाँ इस प्रोफाइल में मेरा पर्सनल ग्रोथ भी है, सोशल रेस्पेक्ट भी है, सोशल कनेक्टिविटी भी है। कुछ इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर चूज करिएगा। और उसके साथ साथ एक पैरामीटर और ध्यान रखिएगा कि कम से कम प्रेफरेंस ऐसी भरना कि इनमें से कोई जॉब तो मुझे मिल ही जाए। अगर जिसकी रैंक अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, उसको लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो वो तो कोशिश करेगा डिपार्टमेंट इस तरह से करने की, और जिसको लग रहा है कि मेरे कॉन्फिडेंस कम है मार्क्स नहीं आएंगे तो कम से कम एक दो डिपार्टमेंट ऐसे रखना कि जहां पर आप अटक जाओ कैसे भी करके, आपको कम से कम जॉब मिले। उसके बाद अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट सही नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा एग्जाम में अपीयर होकर थोड़ा मेंटल स्ट्रेस को कम करके अपने डिपार्टमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सबसे पहला जो प्रायोरिटी दूंगा मैं, सबसे पहली प्रायोरिटी यहां पे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में रहेगी आपके सीपीडब्ल्यूडी को। क्यों रहेगी बता चुका हूं। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा आपका डिसीजन है, आप चाहें तो एमईएस को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीपीडब्ल्यूसी को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट एमईएस को देना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट सीडब्ल्यूएस को देना चाहेंगे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट एमईएस को देते हैं, इसलिए मैंने एमईएस को ऊपर रख दिया है। उसके बाद अगर बात करें तो एनटीआर में दे सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप चार नंबर की प्रायोरिटी सी डब्ल्यू पी आर डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। पांचवे नंबर की जो आपकी जो एलिजिबिलिटी हो, आप पांचवे नंबर में आप नेवल को दे सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर बीआरओ को इतना पीछे क्यों रखा, बीआरओ में अलाउंसेस अच्छे हैं, वर्क कल्चर अच्छा है, आपका ट्रांसफर की भी पूरी पॉसिबिलिटीज है, आपके जो प्रमोशन है वो भी अच्छे होते हैं, फिर आपने इसको इतना पीछे क्यों रखा है? उसका रीजन ये है कि बीआरओ में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। अगर आपने बीआरओ को मान लीजिए सेकंड नंबर पर रख दिया, थर्ड पर रख दिया, फोर्थ पर रख दिया, मैंने कहा कि सेकंड पे बीआरओ रखा, बीआरओ मुझे मिल गया लेकिन मेडिकल कंडीशन मेरी सही नहीं है, तो आपको बीआरओ से तो बाहर करेंगे करेंगे, उसके अलावा नीचे के डिपार्टमेंट भी नहीं मिलेंगे आपको। तो कम से कम बीआरओ को वहां रखें जहां पे आपकी संभावना ये है कि अब इनमें से कुछ नहीं मिल रहा तो बीआरओ तो कम से कम मुझे मिल ही जाएगा। तो बीआरओ को यहां रखने का सबसे मेजर रीजन मेरा यह है मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर आपको लगता है कि मैं तो 6x6 फुट का हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ अच्छी है, मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी दौड़ सकता हूं, कहीं भी कूद सकता हूं, किसी भी दर्रे को पार कर सकता हूं, पहाड़ों में चल सकता हूं, रोड पे चल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आप बीआरओ को थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, फिर बीआरओ, फिर एनटीआरओ, फिर सीडब्ल्यूपीआर, फिर नेवल, फिर इस तरह से। सातवें नंबर पर जो हमने रखा है वो रखा है हमने शिपिंग। आठवें मेरा है यहाँ पे फरक्का बिराज, और अब नौ पे आपका नंबर है कि आप इस तरह से इनको कैसे चॉइस करके आपकी फाइनल चॉइस बनाएंगे। तो नौ पे जो मैंने लिखा है यहां पर आप अपनी फाइनल लिस्ट बना के आप मुझे शेयर कर सकते हैं, फाइनल लिस्ट बना के आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट आपस में फाइनल लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो वो एक दूसरे की लिस्ट को देख के अपने आप हो सकता है थोड़ा इंप्रूव भी कर पाए। अगर आपको कोई सवाल है, जवाब है, तो आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम ध्यान रखना 2 दिन का है, केवल 2 दिन में ही आपको सारी चीज डिसाइड करनी है। ये तो हुआ मैकेनिक सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप। अगर बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जिसके अंदर वो एलिजिबल है, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनके लिए रहेगी एमईएस। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल के लिए अगर बात की जाए तो मैकेनिकल में सीपीडब्ल्यूडी है ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में सीपीडब्ल्यूडी है, तो अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आप उससे ऊपर सीपीडब्ल्यूडी रख सकते हैं। उसके बाद एमईएस रखेंगे, उसके बाद रखेंगे हम क्या यहाँ पे अगेन सीडब्ल्यूसी। अब यहां पे मैंने बीआरओ को काफी लास्ट में दिया है, रीजन क्या है मैं बता चुका हूं आपको, रीजन वही है जो सिविल में था। तीसरे नंबर पे आप दे सकते हैं सीडब्ल्यूपीआर क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है।
चौथे पे आप दे सकते हैं नेवल, क्योंकि डिपार्टमेंट आइकन अच्छा है, जॉब अच्छी है, आपका एक लिमिटेड एरिया है, आपका काम लिमिटेड है। अगर बात करें पांचवे पे तो एनटीआरओ रख सकते हैं आप यहां से। सिक्स नंबर पे अगर बात करें तो बीआरओ मैंने रखा है, और सातवें नंबर पे अगर बात करें तो फरक्का बिरा सबसे आखिरी में जाएगा, क्योंकि यहां पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस और कई सारी लिमिटेशन थी जो कि मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। और यहां पर बीआरओ को मैंने छठे नंबर पर क्यों रखा है यह भी मैं आपको यहां बता चुका हूं कि बीआरओ को हमने छठे नंबर पर क्यों रखा है, रीजन क्या है। तो ये मेरा जो वीडियो का पूरा मोटिव था वो ये था कि भाई किस तरह से आपको यहां पर अपनी प्रेफरेंस को भरना है। आप चाहे 2022 की प्रेफरेंस भरें, चाहे 23, 24, 25, आने वाले सालों में अगर आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, जहां पे आप कम से कम डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा एक मोटे मोटे तौर पे और भी ले पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, क्या वर्क कल्चर है, कैसा काम होता है, क्या फायदे क्या नुकसान है। इसके बेस पे आपको अपना जजमेंट लेना है कि मेरी फाइनल जो प्रेफरेंस है वो क्या रहेगी। खास तौर पे अगर बात करें सिविल की प्रेफरेंस मैंने बना के दी है आपको, इसके बाद अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे, और उसके बाद मैकेनिकल प्रेफरेंस मैंने बना के दी है, आप इसमें अपना मॉडिफिकेशन करके अपने प्रेफरेंस को बना सकते हैं। किसी को भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो जॉनटेक के चैनल यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, जॉनटेक के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सब पे मिल जाएंगे आपको राम सर के नाम से, या फिर बाकी जो टीचर्स उनको कहीं से भी आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। डेफिनेटली ये वीडियो से आपको कहीं भी कोई अगर फायदा मिलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और इन दो दिनों में बहुत अच्छे से प्रेफरेंस भरे। कोई भी डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं भाई। थैंक यू।